देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गुजरात सूरत पलसाना तालुका गांगपुर गांव के गरीब परिवार में जन्मे स्वर्गीय रमेश परमार, जिनकी उम्र लगभग 48 साल थी। उनके परिवार में चार भाई बहन एवं रमेश भाई की बीवी एवं दो बच्चियां, ऐसा उनका परिवार है, जिसमें रमेश परमार लगभग 20 वर्ष की उम्र से ही प्राइवेट नौकरी करते थे एवं अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। इसके अतिरिक्त रमेश परमार सामाजिक तौर पर कई बच्चे पढ़ने लिखने से पीछे नहीं रहे, इसलिए रमेश परमार एवं उनके दोस्तों ने मिलकर एक हरि बाबा सेवक संघ ग्रुप बनाकर गरीब बच्चों को नोटबुक फ्री में वितरित करते थे। इस काम के लिए रमेश परमार दो दो जगह प्राइवेट जॉब भी करते थे एवं इस सहयोग में उनके दोस्त लोगों को अभी नोटबुक वितरित एवं ब्लड डोनेट के कार्यक्रमों में सहयोग रहता था। इन सभी में रमेश परमार का बहुत ज्यादा सहयोग रहता था। ऐसे ही जिंदगी की दौड़ में रमेश परमार ने 8/9/2023 दुनिया को अलविदा कह दिया एवं भगवान को प्यारे हो गए। हमारा जगत न्यूज 24 परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि रमेश भाई परमार के परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे एवं रमेश परमार की आत्मा को शांति मिले। इस दुख की घड़ी में हमारा जगत न्यूज 24 परिवार भी परमार के परिवार के साथ खड़ा है और हम गरीबों के सच्चे सेवक रमेश परमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए जगत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।